भारतीय किसान यूनियन टिकैत गैर राजनीतिक संगठन के पाली जिला अध्यक्ष किसान नेता मदन सिंह जागरवाल के नेतृत्व में रोहट के जालोर चौराहे से कुलथाना तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत, बिजली के बिलों में भारी बढ़ोतरी को कम करने की मांग को लेकर क्षेत्र के किसान उपभोक्ता उपखंड अधिकारी रोहट को ज्ञापन सौंपा। रोहट ब्लॉक अध्यक्ष दुर्गाराम पटेल जिला महासचिव ने मीडिया को बताया, पिछले 2 साल से रोहट के जालोर चौराहा से भादरा जून तक पूरे रोहट क्षेत्र के गांव से निकलने वाले स्टेट मेघा हाईवे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पड़ी है। इस क्षतिग्रस्त रोड की वजह से कई मौतें भी हो चुकी हैं। जिला प्रशासन से पूर्व में भी कई बार मांग की जा चुकी है। पाली के प्रभारी सोलह मोहम्मद के जैतपुर आने पर जनता द्वारा ज्ञापन दिया गया, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि टोल मोरिया गांव के पास से लगातार लोगों से टोल वसूला जा रहा है। उपखंड अधिकारी से मांग की है कि 15 दिन का समय में इस जालोर चौराहा से भादरा जून तक सड़क मरम्मत नहीं कराई गई तो जन आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। इसी प्रकार महासचिव दीपक बामणिया के नेतृत्व में दीवानदी खुटानी अन्य गाँव से बिजली उपभोक्ता के भारी बिल आने पर निष्पक्ष जांच कराकर स्थायी शुल्क अन्य खर्च मार्च अप्रैल का एवरेज बिल कम करने की मांग की गई। सैकड़ों की तादाद में आए किसानों ने बिजली बिलों को कम करने और सड़क को शीघ्र मरम्मत कराने की पुरजोर मांग करते हुए कहा, जब तक सड़क की मरम्मत न हो जाए तब तक टोल मुक्त किया जाए। इस अवसर पर सैकड़ों किसान व उपभोक्ता उपस्थित थे। पाली ब्यूरो सुरेश पवार।